आज मैं यहाँ पर आया हूँ एक अनाउंसमेंट भी करने के लिए। सबसे पहले वेड ये फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और वेड ये फिल्म अभी थिएटर में चल रही है, हम लोग मूवी प्रमोशन के, जिन लोगों ने बात नहीं सुनी उनके लिए मैं दोहरा रहा हूँ, अभी हिंदी में दोहरा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं मराठी में बता चुका हूँ कि जब मैं थिएटर में हम लोग प्रमोशन कर रहे थे तब एक लड़के ने पीछे से वो चिल्लाया कि सत्य और श्रावणी का जो लव सॉन्ग है एक भी नहीं है, तो हमको उन दोनों को इकट्ठा देखना है जिनीलर मुझे किसी लव सॉन्ग में। तो उस वक्त मुझे लगा फिल्म तो खत्म हो गई और हमें पता नहीं कि मेरे जिनीलर फिर बाद में कब मौका मिलेगा फिल्म करने का। और जब 2 हफ्ते फिल्म चली तो ये ख्याल आया कि क्यों ना हम गाना फिर से करें, फिर से रीशूट करें लोगों के लिए, और उसी में उनको एक्सपीरियंस है जब तक फिल्म चल रही है। तो हम लोगों ने फटाफट गाना एक शूट कर लिया और वेड तुझा, ये जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गाना है, उसी पर सत्य और श्रावणी क्या सोचते अपनी ज़िंदगी के बारे में, वो गाना हम लोगों ने फिल्म में डाला है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सलमान भाऊ का जो गाना है जो एंड में आता है उसको फिल्म में होना चाहिए, तो हमने उसको फिल्म में अभी डाला है। 3 सीन्स है एक्स्ट्रा जो पहले एडिट में निकल चुके थे, जो डिलीटेड सीन्स थे उसको उनको हमने ऐड किया। एक सीन है मुझ में और मेरे पिता अशोक मामा में, एक सीन है अशोक मामा और जिनीलिया में, और तीसरा सीन है खुशी जो छोटी लड़की है और पापा में। तो ये तीनों सीन हमने ऐड किए और एक गाना ऐड किया है, सलमान भाऊ का गाना रीशफल किया। तो नए एडिट के साथ एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ वेड इस फ्राइडे 20 तारीख से आपको थिएटर में मिलेगा। और 20 तारीख भी मल्टीप्लेक्सेस के लिए मूवी लवर्स डे है, मतलब पूरे दिन में कोई भी फिल्म आपको 100 रुपये 99 रुपये में देखने को मिलेगी, तो 99 रुपीज में आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ जाकर वेड देखिए, एक नया वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन, तो शायद आपको मज़ा आएगा। तो ये सब मैं मराठी में बोल चुका, हिंदी में बोल चुका हूँ ताकि बहुत सारे लोगों को शायद मराठी समझ में नहीं आया, और बहुत सारे मुझे लगता है कि जो मराठी नहीं जानते वो सबटाइटल्स देखकर पिक्चर देखकर मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मराठी फिल्म, कि आप शायद रिव्यू सुनकर फिल्म देखने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूँ। नारायण, मेरी आर्किटेक्चर फर्म का नाम क्या है? नारायण, मैं भी आर्किटेक्चर का काम अपने दोस्तों के साथ करता हूँ। मेरे दोस्तों की फर्म है रेड आर्किटेक्ट्स, और मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है तो उनके साथ काम करता हूँ। थैंक यू, नहीं कल बात हम थैंक यू बेड़कर, थैंक यू। नेक्स्ट मूवी कौन थी है ना, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, अभी बैठकर थोड़ा एक ब्रेक लूंगा, बहुत थक चुका हूँ मैं, तो मुझे लगता है एक छोटा ब्रेक लूंगा, फिर सोचूंगा मुझे आगे क्या करना है। हम 3 बजे तक जाएंगे, चलो डेक ऑफिस में होगा, कहाँ ऑफिस? हेलो 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 शर्मिला, हेलो नितेश, हेलो अजय। अच्छा, थैंक यू वंस अगेन, आप सभी लोग यहाँ पर आए आणि सगळ्यांनी भरभरून प्रेम दिलंय या चित्रपटाला। तर जितके लोक आहेत प्लीज आपली स्टोरीज घ्या आणि टॅग करा, मला टॅग करा, आपल्या स्टोरीवरती टाका, लोकांना सांगा की 20 तारखेपासून एक्सटेंडेड वर्जन येणार आहे थिएटरमध्ये वेडचं, ज्याच्यात 3 ॲडिशनल सीन्स आहेत। सलमान भाऊंचं गाणं चित्रपटामध्ये आहे आणि एक गाणं श्रावणी सत्याचं जे आम्ही शूट केलं वेड तुझावरती ते परत आम्ही टाकतोय, तर एक्सटेंडेड व्हर्जन पाहायला विसरू नका। आणि महत्त्वाचं म्हणजे 20 तारखेपासून आपलं एक्सटेंडेड व्हर्जन थिएटरमध्ये तर असेलच, पण 20 तारीखसुद्धा सिनेमा लवर्स तारीख आहे, ज्याच्यामध्ये मल्टीप्लेक्सेसमध्ये म्हणजे PVR सिनेपॉलिस आयनॉक्स सारख्या मोठ्या मल्टीप्लेक्सेस चेन्समध्ये तुम्हाला कोणताही चित्रपट 99 रुपयाला पाहायला मिळेल त्या दिवशी, शुक्रवारच्या दिवशीच। तर त्या दिवशी जाऊन वेड चित्रपट नक्की बघा, ज्यांना दुसऱ्यांदा बघायचं असेल, ज्यांचा राहून गेला असेल, नक्की पहा आणि आम्हाला फोन करा। तर थँक्यू सो मच, थँक्यू, लॉट्स ऑफ लव, मजा आली तुमच्याशी गप्पा मारून, आणि परत नक्कीच भेटू, थँक्यू।